नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबके शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। क्या आज EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी का नर्सरी केजर कक्षा पहली का रिजल्ट आने वाला है? यह सवाल बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जा रहा है कमेंट के माध्यम से। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं सुबह से, उनमें से दो तीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे कि दीपमाला जी लिखती हैं कि क्या लिस्ट आएगी ना, शाम तक आएगी, प्लीज समवन टेल मी। संजय बंसल जी लिखते हैं कि मैम आज लिस्ट आनी थी नर्सरी एडमिशन की, वो अब तक नहीं आई है, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, ऐसे और बहुत सारे कमेंट्स हैं जिनमें लोग पूछ रहे हैं कि आज तो ड्रॉ का कक्षा नर्सरी केजीआर पहली का ड्रॉ होना था और पहली लिस्ट निकलनी थी और ड्रॉ अभी तक नहीं हुआ है, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैंने थोड़े समय पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि DOE ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि 15 मई शाम 5 बजे तक अब फॉर्म भरा जा सकता है, यानी कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। अब फॉर्म भरने की आखिरी तारीख नर्सरी केजर पहली कक्षा के EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के फॉर्म भरने की आखिरी तारीख हो गई है 15 मई शाम 5 बजे तक। तो जब तक आखिरी डेट नहीं जाती तब तक तो रिजल्ट नहीं निकल सकता। उसके बाद भी DOE इसका अनाउंसमेंट करेगा कि कब वह पहला ड्रॉ करेंगे, यानी कि पहली लिस्ट कब निकलेगी, इसकी अनाउंसमेंट 15 मई के बाद DOE करेगी। फिलहाल DOE ने इस मामले में कुछ नहीं कहा है कि रिजल्ट कब निकलेगा। हाँ, आखिरी तारीख ज़रूर बढ़ा दी गई है, इसीलिए आज रिजल्ट नहीं निकल सकता। जब आखिरी तारीख निकल जाएगी उसके बाद DOE इसकी जानकारी देगा कि ड्रॉ का रिजल्ट कब निकलेगा, और जब DOE इसकी जानकारी देगा वह मैं आपके लिए तुरंत लेकर आऊँगी। साथ ही आप सभी से अपील करना चाहती हूँ कि इस समय हमारी दिल्ली, हमारा शहर बहुत ही बुरे हालात का सामना कर रहा है। रोज़ाना मैं कोई ना कोई ऐसी खबर सुनती हूँ जिसमें किसी प्रियजन का या फिर किसी आसपास रहने वाले का या फिर किसी ऐसे व्यक्ति जिसे मैं जानती थी उसकी वह किसी ना किसी खासे तरीके से ख़राब हालात का सामना कर रहा है। किसी की प्लाज्मा की वजह से, प्लाज्मा की कमी की वजह से मृत्यु हो गई, तो किसी को बेड नहीं मिल पाया, किसी को ICU बेड नहीं मिल पाया, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं हो पाया कि वह घर से अस्पताल पहुंचते रास्ते में ही मृत्यु हो गई। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है हम सब एक दूसरे का साथ दें। आप में से बहुत लोग होंगे जो कोविड रिकवर्ड होंगे, जिनके घर में हो सकता है ऑक्सीजन सिलेंडर हो या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो अभी कोविड जिन लोगों को है उनके इस्तेमाल में आ सकती है। आप चाहें तो कम दामों में वह चीज़ आगे किसी को दे सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि आप आगे जिन्हें ज़रूरत है उनके पास इतना धनराशि नहीं है कि वह आपको इन चीज़ों का पैसा दे सके, तो आप ऐसे ही इंसानियत के नाते भी दे सकते हैं। फैसला आपने लेना है, लेकिन कुछ भी करिए, मदद करिए। इस समय सबकी मदद की ज़रूरत है, बहुत 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 ज़रूरत है। बहुत बुरा समय है, अगर हम सब एकजुट होकर एक साथ रहेंगे तो हो सकता है बहुत सी जानें बच जाएं। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।